बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं, मतलब नॉर्मल में इसको इमली का और खटास पुदीना। काशी चाट भंडार जो बहुत ही फेमस है बनारस के अंदर, इनकी मेकिंग देखते हैं, इनका रेट जानते हैं और 3 से 4 आइटम इनकी टेस्ट भी करेंगे। काशी चाट भंडार का टमाटर का चाट आ गया है। इसके अंदर इन्होंने डाला है टमाटर का पानी, जो सब्जी बनी हुई होती है उसका पतला शोरबा, और इसमें डाला है चाशनी, देसी घी, नींबू, ज़ीरा, ऊपर से धनिया डाला है, और मैदे का कुछ जो बचा हुआ छोटा बेसन बेसन का टुकड़ा होता है वो डाला है, और इसमें टमाटर की सब्जी कुछ एक पतली करके डली हुई है। चलिए टेस्ट करते हैं। ये यहाँ की बहुत फेमस है बनारस की काशी चाट भंडार की। और दोस्तों इसका एक का रेट 35 रुपया है, 35 रुपीज़। चलिए चाट को टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो इसमें सब सब्जी है, बहुत ही बढ़िया। पहले ही स्पून के अंदर पहली बाइट में लेते ही जो मुंह में मसाले हैं सारे खुल गए, मीठापन भी आया, तीखापन भी आया है, और बहुत अच्छा टेस्ट। मैंने बहुत साइडों में खाई है चाट, बट ऐसी चाट मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई है, बहुत अच्छी है। बनारस आओ आप, पर दर्शन समय घाट पर आओ आप, तो ये आप मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पालक का चाट है। हाँ।
ये इसको हम तैयार करेंगे अभी। पालक चाट इसमें देखिए पहले पड़ता है दही, ठीक है, ये जीरा पड़ेगा, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर है, ये मिक्स नमक है और ये खट्टा मीठा चटनी पड़ेगा, हरी चटनी पड़ेगा, मूली पड़ेगा, हल्का जीरा और धनिया पत्ती पड़ेगा और हल्का सा नमक पालक पड़ेगा। दही भी डालते हो? हाँ दही पड़ेगा। पालक की चाट आ गई है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो ये मेरी पालक की चाट है, फिर खट्टी मीठी चटनी, हरा धनिया और दही, जीरा पाउडर और भी एक दो मसाले हैं जो डाले हुए हैं, पालक को बेसन में फ्राई किया हुआ है और इसमें मूली डाली हुई है। चलिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा टेस्ट है। नॉर्मली मैंने रमज़ानों में फ्राई पालक खाया है, नॉर्मल मसाला डाल के, या हमारे यहाँ भी घर में कभी बनता है या मार्केट में दिल्ली में जो मिलता है वो पालक को फ्राई कर देते हैं। ये वही सेम पालक है, फ्राई हुआ हुआ है, इसमें दही डाल के मसाले डाल के इसका टेस्ट जो है और चार गुना बढ़ गया है और ये 35 रुपीज़ की एक प्लेट। पीसा हुआ जीरा भूजा हुआ और इसमें थोड़ा मिक्स नमक, मीठी चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी, हल्का सा इसमें पड़ता है देसी घी। अच्छा इसमें भी देसी घी? हाँ हाँ हल्का सा, फिर धनिया, फिर ये हल्का नमक, हल्का सा नींबू का खट्टा, खट्टापन थोड़ा और हाँ, कर हाँ, ये हल्की सी मूली पड़ता है, ये आपका तैयार हो गया। ये 35 की कितनी पीसेस है? ये 35 का 5 पीस है, इसमें 6 पीस है, 6 पीस है 35 का। दोस्तों ये मेरी दही पूरा भी आ गया, दही पूरा बोलते हैं यहाँ पे, ये भी 35 रुपीज़ का है, 6 पीस है, खट्टी मीठी चटनी है, देसी घी डाला है, मूली डाली है, चाशनी डाली है और जो है इसके अंदर दही डालने के बाद आलू या टपिंग कीजिए। बेसिकली एक ये गोलगप्पे हैं कम वाले, जो दही वाले हम खाते हैं लेकिन दिल्ली में और दूसरी साइड में सादा दही होता है उसमें सेवू वगैरह डालते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं और ये सूजी के गोलगप्पे। तो ये मेरा दही पूड़ा है बनारस का, एक बार में पूरा खाएं तभी बढ़िया है, नहीं तो मेल्ट होकर सब बाहर आ जाएगा। अभी तक मैंने जितनी भी चाट टेस्ट की हैं सबका अपना अलग फ्लेवर है, किसी का भी किसी में मिक्सअप नहीं है। इसमें दही का और जो आलू की स्टफिंग दी है वो ज़्यादा आ रहा है टेस्ट, और इसमें देसी घी की खुशबू है और रेट भी बहुत रिजनेबल है इसका, 35 रुपीज़, खाने में भी बहुत टेस्टी है। दोस्तों ये गोलगप्पे का पानी है, इन्होंने बोला है इसे ज़रूर टेस्ट करो, तो मैं गोलगप्पे का पानी टेस्ट करता हूँ। इमली का और खटास पुदीना, बहुत ही टेस्टी पानी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं पी पाऊँगा क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ, तो बहुत चटपटा है पानी, बहुत टेस्टी है। बोलिए सर, कितनी पुरानी शॉप है आपकी? ये लगभग हो गया 60 साल हो गया। 60 साल पुरानी शॉप है ये, हमारे पिताजी पिताजी के हाथ का है। ओके, दादाजी आपके बेचते थे? नहीं, पिताजी पिताजी के हाथ का। आपकी मैंने जो जो चीज़ें टेस्ट की हैं सब बहुत अच्छी हैं। अच्छा,
और आपका रेट भी बहुत अच्छा है, 35 rupees एक आइटम का है। आपकी और कोई ब्रांच है या नहीं? केवल एक ब्रांच है, केवल एक ही ब्रांच है। और दूसरा आप ऑनलाइन लेते हैं पेमेंट वगैरह? ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, स्विगी जोमेटो पे आपकी? हाँ जी जी। ये गामा पान है और यहाँ की बनारस की बहुत फेमस शॉप है, तो आज इनका पान टेस्ट करने आए। सर पान के बारे में कुछ आप बताओगे? देखिए पान का सबसे बेसिकली होता है कट्ठा चूना इत्र, अगर उसमें कम्बिनेशन बना के आपने टेस्ट खिला दिया तो वो ओरिजिनलिटी पान है। बिल्कुल। और फ्लेवर डाल दिया, जैसे कोई कहता है मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, पाइन एप्पल है, केसर है, ये तो फ्लेवर्स के होते हैं, तो वो तो पान का मजा खराब हो जाएगा। पान से हट की वैरायटी हुआ ना, पान की वैरायटी में आप टेस्ट बना के खिला दो, वो आपकी बेसिकली एक पावर फ्रेंचेस है। और पूछनी थी कितनी पुरानी शॉप है आपकी? मैक्सिमम इसको 100 के आसपास मान लेते हैं, 100 से भी हमारे खत्म ऊपर जा रही है। अच्छा 100 से भी ऊपर जा रहा है, 100 ईयर्स हो गया है शॉप को। पानी ही मिलता है शॉप पे, बस दूसरी कोई चीज़ नहीं है। क्या बता रहे थे सर आप? इंडियन गाइड्स होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें इसका नाम है। अच्छा आपकी शॉप का नाम है? या बहुत बड़ी उन्नति है सर, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमको अपने केंद्र से भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक हमको सहानुभूति मिलती है। तो आप पान बना के खिला दीजिए, अब इसको खाने के बाद बताइए कि क्या लग रहा है आपको। देखिए कुछ ज़्यादा वैरायटी नहीं इसमें, बिना तंबाकू वाला है। हाँ ये राइट। अब जैसे बाहर में खस लोग कहते हैं तो वो खस का एक केमिकल फ्लेवर देते हैं, ये प्योर की खस है, जिससे इस समय ये हॉटनेस लग रही है ना, इससे ताजगी मिलेगा खाने में। दोस्तों पान तो बहुत फ्लेवर वाले होते हैं, पर वो पान नहीं रहते, उनका मज़ा ही जो ओरिजिनलिटी होती है वो चेंज हो जाती है, पर पान खाने का जो मज़ा है वो ओरिजिनलिटी के अंदर ही है, जो आप कत्था चूने के अंदर और गुलकंद के अंदर खाओ, आप सौंफ इलायची में खाओ, वही असली मज़ा है। ये पान आ गया है मेरे पास देसी इत्र के साथ, भैया ने बताया, चलिए खाते हैं। भैया जैसा आपने बताया था ये पान बिल्कुल वैसा ही निकला है, मुंह में रखते ही घुल गया है। इसका रेट कितना है एक पान का? 25 का। दोस्तों मैंने पान खाया, अभी साइड में रखा हुआ है, आधे से ज़्यादा पान मेरे मुंह में ख़त्म हो चुका है। बेहतरीन, लाजवाब मोमेंट था कि मतलब कि जब तक अपनी वैरायटी है चलाते रहना, मतलब लोगों को आज भी मुझे 50-60 ईयर्स के कहाँ देखने को मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और शॉप बंद करता वो पान नहीं खाते। बिल्कुल सर, मैं एक पान खा चुका हूँ, दूसरे पान के लिए वेट कर रहा हूँ अभी। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं, मतलब नॉर्मल में इसको हमने बनाया है। इसको कोई कॉस्टली पान भी नहीं पा पाएगा, ये जिस शहर में गया उस जगह से गया मैं खत्म हो गया, ताजगी मिला होगा खाने में, क्योंकि हॉटनेस में आप पसीने में थे, आपको ताजगी मिला होगा। पान खाने के बाद मुंह में अंदर तक फटने से आया और ठंडक हो गई उसके बाद, बहुत ही बढ़िया। ना कोई आइस, ना फ्रीजर, ना कुछ। अभी एक्चुअली क्या है, मार्केटिंग सेल्स हो गया है कि इसकी वैरायटी कर दो वैसा कर दो, पर जो पान की ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये है वो पान जिसमें ओरिजिनलिटी है, कोई फ्लेवर मिक्स नहीं है, 100% नेचुरल है, चांदी का वर्क लगा हुआ है। और भैया बताते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स की जो गाइड्स आती है जो टूरिज्म के लिए कि जहाँ पे पान टेस्ट करना चाहिए, उसमें इस शॉप का भी नाम है, ये बनारस की ओरिजिनल पान की शॉप है, जहाँ पे वैरायटी नहीं आपको अच्छा पान मिलेगा। पान खाना है तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं। और ये सर इसका पान का रेट क्या है? 25 rupees का एक पान है। और भैया ने बताया मैं इससे पहले पान खाया था, मुँह में चबाया घुल गया, मैं बता ही नहीं पाया, अब मैं दूसरा पान ले रहा हूँ और भैया ने बताया सिर्फ दाढ़ में रख। जैसे मुँह पे लगा था नहीं, जैसे कत्था चूना होता है, हर चीज़ का फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस से आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग है।
जो पान काफ़ी सालों से मैं पान खा रहा हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, पर इस पान की जो क्वालिटी है अमेजिंग, बहुत ही अच्छा पान है।